पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत कश्मीर के संदर्भ में शांति के अपने झूठे नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए सच्चाई को तोड़ मड़ो रहा है। मोदी शासन विश्व समुदाय को धोखा देकर विश्व को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहा है कि भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। भारत निरंतर यही प्रोपेगेंडा करने का प्रयत्न कर रहा है कि घाटी में उसका नॉर्मलिसी का नैरेटिव बिल्कुल यथार्थ है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिसी के दावे एक क्रूर उपहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में हत्याएं, नजरबंदियां तथा जायदादों का नाश भारत के नॉर्मलिसी के दावों का उपहास है। भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में परिवर्तित कर दिया है, जहां प्रतिदिन मूल मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। भारत ने कश्मीरियों के जीवन के अधिकार सहित सभी अधिकार छीन लिए हैं। नई दिल्ली ने कश्मीर को संसार के सबसे अधिक सैनिकृत क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। विश्व समुदाय को कश्मीरियों को अपने भविष्य के विषय में निर्णय का अधिकार देने के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए। भारत को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की यथार्थ स्थितियों की जानकारी के लिए राष्ट्रसंघ पर्यवेक्षकों तथा सार्वभौमिक मानव अधिकार संगठनों को घाटी की यात्रा की अनुमति देना चाहिए। कश्मीर विवाद के समाधान के बिना दक्षिण एशिया में शांति एक स्वप्न ही रहेगा। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।